सोने की चिड़िया अब तू ना बनना, सोने की चिड़िया अब तू ना बनना, तुझे कोहिनूर बनना है। ए भारत, 21वीं सदी को सीढ़ी बनाकर तुझको आत्मनिर्भर बनना है, तुझको आत्मनिर्भर बनना है। आम देश भारत यदि आत्मनिर्भर होगा चाहे तो प्रति अंचल प्रति ग्राम प्रति अंचल को आत्मनिर्भर होगा पड़ो और मुख्य भूमिका ग्रहण करें स्वायत्त शासन व्यवस्था। नमस्कार, मु प्रभुदत्त सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नुआसाई रसुलगढ़ छात्र अटे। आज प्रतिजोगित मत कि कहार सुजोग मिलता मुझक धन्य मन करुच्ची। गणतंत्र अर्थ जदि मुझे व्याख्या करने को चाहिए, गण अर्थ लोक और तंत्र अर्थ शासन। गणतंत्र हूँ लोक मान एक सुशासित शासन व्यवस्था और स्वायत्त शासन व्यवस्था हूँ यार एक मुख्य अंग। स्वायत्तर अर्थ स्वायत्त, निज अंचल लोक मैंने निज निज को शासन करवा हूँ स्वायत्त शासन व्यवस्था। और स्वायत्त शासन व्यवस्था लोक मैंने निज अंचल अवस्थित संबल को व्यवहार कर निज कार्य व्यवहार करते। 1958 मसीह गठित बलवंत राय कमिटी रे तीनोटी मुख्य अंश रही, सर्वोच्च स्तर में केन्द्र सरकार, मध्य स्तर में राज्य सरकार, निम्न स्तर में स्वायत्त शासन व्यवस्था। ये स्वायत्त शासन व्यवस्था किंतु शासन मुख्य अंग, कारण आम समस्या समाधान ये स्वायत्त शासन व्यवस्था ही करें। ये स्वायत्त शासन व्यवस्था व्यक्ति मध्य अंतर्निहित गुण को प्रकाश करें साय्य करें। ये स्वायत्त शासन व्यवस्था जदि व्यक्ति अंतर्निहित गुण प्रकाश कै से व्यक्ति मैंने भविष्य में जा राष्ट्र निर्माण कार्य साय्य करते। संविधान धारा 40 लोक मान शासन स्वायत्त शासन व्यवस्था कथा उल्लेख रही। स्वायत्त शासन व्यवस्था को दुई भाग में विभक्त कराई, गोटे ग्रामीण स्वायत्त शासन व्यवस्था, गोटे सहरी स्वायत्त शासन व्यवस्था। सहरी स्वायत्त शासन व्यवस्था को तीन भाग में विभक्त कराई, तीन भाग में होची विज्ञान परिषद अंचल, नगरपालिका, नगर निगम। ए स्वायत्त शासन व्यवस्था आम मानक एक मुख्य अंग अटे। ए स्वायत्त शासन व्यवस्था आम समस्या समाधान करें, आमको भोट देवार अधिकार दे था। स्वायत्त शासन व्यवस्था जिते उन्नति घटव से व्यक्ति मानक उन्नति घटव। ये मैं वक्तव्य शेष करुच्छी।